अर्चनी बंदनी संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, पारख रूप कबीर सृष्टि मनोमय से पृथक हरो महा भौभीर बंदी छोर उदार चित संत सिरो मणियाप पारख ज्ञान प्रकाश करी हरो मोह संताप जीवन के उपकार हित सोई रूप सब संत जे निज रूप को प्राप्ति है और अजहूं वो ए रहंत बंदो शीस झुकाए तिने अजहूं ओए रहंत बंदो शीस झुकाए तिने। बोलो सद्गुरुदेव की। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। सब लोग कहेंगे हाँ। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु ध्यान धरो हित चाहत जो सब प्राणी ने के हित चाहत जो रे प्राणी ने के बरताव दो मानी ने के बरताव दो ऐसे सुदेव के पावो परो नित ऐसे सुदेव के पाव परो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु ध्यान धरो नित आश्रय में रही के जीन के नित आश्रय रही के सब साधन बोध मिले जियके सब साधन बोध मिले जियके नित ऐसे सुदेव के पाव परो नहीं उतना ही होता देह की दाम धरो नित ऐसे सुदेव के पावो परो नित ऐसे सुदेव के
के पावे परोग अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो भ्रम सोवत से जो जगाए लिए भ्रम सोवत से गम गाय दिए बह पावर को अपनाए लिए मर को अपना लिए बह पावर को अपना लिए बह पावर को अपना लिए अब तो गुरु वैन में नीत चरो अब तो गुरु वैन में नीत चरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो अभिकार अभय अविनाशी सदा अभिकार अभय अविनाशी सदा रवि वर्ण सो साक्षी स्वरूप सदा रवि वर्ण सो साक्षी स्वरूप सदा गुरुदेव गुरु गुरु गान करो गुरुदेव गुरु गुरु गान करो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो अथ मंगल मूल को ध्यान धरो सद्गुरुदेव की जय। जो कदापि तुम गा सके दय दूसर को कष्ट सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। इस साखी में सदगुरु विशाल देव क्या बताना चाहते हैं सबके प्रति हितैषिता की भावना रखते हुए हर मनुष्य को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हम अपना दुख और दूसरे का दुख यदि बराबर समझने लगे तो हर मनुष्य का दुख छूट सकता है, लेकिन अधिकतर समाज में यही देखा जाता है हम अपना दुख तो दुख समझते हैं लेकिन दूसरे के दुख को दुख नहीं समझते हैं। तभी तो देखिए दूसरे जीवों पर छुरी चला देते हैं और छुरी चला करके देखिए जवान की स्वाद के वशीभूत होकर के हम गंदी चीज को खा लेते हैं और जिसके अंदर दया है रहम है देखिए वो गलत कदम नहीं उठाता है।
बोलो सदगुरु देव की। तो अपना दुख और दूसरे का दुख बराबर समझने वाले वही मानवतावादी बन सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है आज, हम लोगों की बुद्धि बिल्लीवत हो गई है। बिल्ली देखिए उसी मुख से मूस को पकड़ती है तो एक ही बार में वो कटकटा डालती है, और मुख वही है जब अपने बच्चे को पकड़ती है, देखे एक दांत भी नहीं लगता है और ना उसके शरीर में घाव ही बनता है। कहां कहां अपने बच्चों को ले जाती है, कोई भी कष्ट नहीं होता। लेकिन अंतर इतना रहता है कि जो खुद के उसके बच्चे हैं उसमें मोह है, और जब मूस को पकड़ती है तो मूस के प्रति ना उसके दया होती है ना रहम। जहां अपने और पराये की भावना व्यक्ति के अंदर समा जाती है, घर हो परिवार हो समाज हो, वहां की व्यवस्था देखिए दूषित हो जाती। तो हर मनुष्य को चाहिए अपना दुख और दूसरे का दुख बराबर समझना चाहिए। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें, यही सबसे बड़ी मानवता है। लेकिन लोग हम लोग करते क्या हैं, जो व्यवहार हमें नहीं पसंद है वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। और हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति वही व्यवहार करता है तब हमें ठेस पहुंचती है, दुख होता है। अपने जीवन को लेकर के अगर हम समाज की तरफ चलते हैं तो देखें हमारे तन और मन और वचन से कोई भी गलत काम नहीं होंगे। तन मन वचन से कोई गलत काम न हो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अपने संस्कारों की परख करना, जो अपने संस्कारों की निरख परख कर लेता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। दुनिया में कुछ भी हम बना लें कर लें, अगर हमारे संस्कार धूमिल हो जाते हैं, हमारे संस्कारों में अगर गंदगी आ जाती है तो देखिए हमारा जीवन दूषित हो जाता है। बोलो सद्गुरु देव की। साहेब तो हर मनुष्य को चाहिए अपने संस्कारों की परख करते रहना चाहिए। संस्कार हमारे गंदे हो जाते हैं तो हमारा जीवन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। भक्ति और सत्संग स्वाध्याय सबका मतलब यही होता है, कुल मिला करके अंत में हमारे संस्कार शुद्ध होना चाहिए। आदमी के पास कितना कुछ है और क्या क्या वो बना ले क्या क्या कर ले, लेकिन अंत में देखे दुनिया का जितना जो कुछ है सब यहीं रह जाता है। जिस दिन व्यक्ति चलता है इस संसार से तो उसके संस्कार ही उसके साथ जाते हैं। जो कुछ कीने साथ है लीने, ना कुछ जाते राख पड़ा, अब बाहर का सब बाहर छूटा, मानंदी का सिर भार पड़ा। कहे विशाल सुबस कछ नाही, चलत बार पछताव पड़ा, और मोच काज सब पूरा जिनका, आना जाना बंद पड़ा। तो जो कुछ हम करते हैं जीवन में वो हमारे साथ ही रहता है। कहीं भी हम चले जाए, कोठी महल बंगला बैंक बैलेंस, जहां हमारा घर है मकान है संपत्ति है, देखे वो वहीं रह जाती है। कहीं हम चलते हैं हमारे संस्कार हमारे साथ में रहते हैं, तो उन संस्कारों की बराबर परख करते रहना चाहिए। संस्कार हमारे गलत न बनने पाए,
इसके लिए सदैव सावधानी रखना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हटती है देखे हमारे जीवन में तुरंत दुर्घटना घट जाती। तो संतों के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में जाने का मतलब यही होता है, हमारा काम पूरा होना चाहिए और हमारे जीवन में अच्छी भावना बनी रहे। इसी बात को लेकर के साहब कहते हैं कि जो कदापि तुम गांस गए दे दूसर को कष्ट, और सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, देखिए जब हमारे मन में वो भावनाएं याद आती हैं, जब स्मरण आता है, देखिए हमारे अंदर अपने आप दुख होना शुरू हो जाता है। गुप्त और प्रकट में कोई भी गलत कर्म अगर हम करते हैं, कोई जानता है या नहीं जानता है, लेकिन हमारे अंदर संस्कार गलत बन जाते हैं। उन संस्कारों की निरख परख करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगर संस्कारों की परीक्षा करना हम नहीं जान पा रहे हैं तो समझ लो सारा पूजा पाठ नमाज जो कुछ जीवन में हम कर रहे हैं सब बेकार है। पूरा दिन अगर कोई व्यक्ति छप्पर को छा रहा है और अंत में अगर शाम को उसमें माचिस लगा देता है तो क्या है, 10 मिनट में देखे जल करके वो खाक हो जाता है। पूरे जीवन की साधना और भक्ति देखे एक क्षण में लुट जाती है। तो सबके प्रति हित चिंतक भाव रखते हुए और तन और मन से वचन से कोई भी गलत संस्कार हमसे न बनने पाए हमारे जीवन में, और हमारी पूरी जीवन यात्रा अच्छे ढंग से पूरी हो जाए, यही सत्संग और स्वाध्याय का मतलब है। बराबर इसी प्रकार सत्संग और स्वाध्याय करते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अपना दुख और दूसरे का दुख बराबर समझते रहना चाहिए। ये बिल्लीवत बुद्धि जब तक नहीं समाप्त होगी तब तक घर और परिवार में, हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। एक व्यक्ति था, अपने बच्चे को छोड़ करके परदेश चला गया, बहुत दिन हो गया नहीं आया। जब बच्चा सयाना हुआ तो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ गए, तो माँ कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पिताजी परदेश गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। लड़का बाहर पड़ा था, सर्दी लग गई, उसके खांसी आने लगी, तो बाबूजी अंदर जो एयर कंडीशन रूम में लेटे हुए थे वो क्या कहने लगे रात में, एक कौन व्यक्ति खांसता है बार बार। धर्मशाला के कर्मचारी ने कहा एक लड़का है गरीब घर का, वही है, कहा इसको बाहर कर दो, अगर बाहर नहीं करते हो तो अभी हम बाहर हो जाएंगे। उन लोगों ने कहा गरीब घर का लड़का है, आप अंदर लेटे हैं और बच्चा बाहर है, पड़ा रहने दो, बरामदे में है। लेकिन वो नहीं माने, हट कर दिए, तो धर्मशाला के जो प्रबंधक थे उन्होंने बच्चे को बाहर कर दिया। ठंडी लग गई, बुखार आ गया। सवेरे प्रातः काल जब बाबूजी टहलने गए तो वही बच्चा एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उस बच्चे से पूछने लगे क्या तुम ही थे जो रात में मेरी नींद हराम कर रहे थे, कहें हाँ बाबूजी हम ही थे।
ठंडी लग गई, गरीबी है और हम पिता की खोज में निकले हैं। बचपन में ही मेरे पिता परदेश चले गए थे, पूरा पूरा पता उन्होंने पूछा। उनको विश्वास हो गया कि मेरा ही बच्चा है, छोटा था और मैं छोड़ करके परदेश चला गया था। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये मेरा बच्चा है तो इतनी तेजी से दौड़ते हैं, बच्चे को गले लगा लेते हैं और गले लगा करके और रोने लगते हैं फूट फूट करके कि ये मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बहुत रात में गलत किया, मैं बहुत पापी हूँ जो मैं एयर कंडीशन रूम में लेटा रहा और तुमको बाहर करवा दिया। देखिए, जब उनको महसूस हुआ कि मेरा बच्चा है तो गले से लगा लिया। अगर रात में सोच लेते नहीं मेरा बच्चा है तो किसी का तो बच्चा है, अगर मानवता होती तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो अधिकतर आज की दुनिया में, आज इस वैज्ञानिक युग में देखिए ये समस्याएं ज्यादा समाज में व्याप्त होती जा रही हैं। जब तक इन समस्याओं का जीवन में हम समाधान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा परिवार कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। तो अपना दुख और दूसरे का दुख बराबर समझना चाहिए। इसी को विशाल देव कहते हैं कि जो कदापि तुम गांस के दय दूसर को कष्ट, सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते, बोलो सद्गुरु देव की जय।